बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, टू डेमोन्स्ट्रेट डेड शुगर डिकम्पोज इनटू एलिमेंट्स और अदर कंपाउंड्स। शुगर के डिकम्पोजिशन को आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें अपरेटस, अपरेटस में देखिए क्या है, टेस्ट ट्यूब वगैरह देखिएगा, अभी बंसन बर्नर स्ट्रेट लैम्प वगैरह है, आर एन स्टैंड या स्प्रिट लैम्प देख लीजिएगा, टेस्ट ट्यूब होल्डर देख लीजिएगा, स्पेचुला, कोबोर्ड, क्लोराइड पेपर, मैच बॉक्स। तो ये इसके क्या है, ऑपरेटस में आएगा, मैच बॉक्स और कोबोर्ड क्लोराइड पेपर खास तौर पे देखिएगा। केमिकल देखें, शुगर C12H22O11, केमिकल इक्वेशन देखें, C12H22O11 है, कार्बन बन जाएगा और प्लस क्या बनेगा इसका, ये देखिए 11H2O, तो कार्बन प्लस 11H2O जो है आप देखेंगे कोबोर्ड क्लोराइड पेपर पे जब वाटर वेपर जाके रिएक्शन करेंगे तो ब्लू कलर क्या होगा, पिंक पिंक सा हो जाएगा, वो दिखेगा वीडियो में अच्छे तरीके से। तो इसकी थ्योरी देख लें, तो थ्योरी में क्या है, केमिकल रिएक्शन विच रिएक्शन इन विच आर सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तारीफ आपको पता होनी चाहिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। कार्बोहाइड्रेट वाला जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो C12H22O11 चीनी है, वैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह आपको थ्योरी के तौर पर स्टडी होनी चाहिए, इसका सवाल आएगा पेपरों में, आपके जो पेपर्स होंगे 9 क्लास के। तो इसका प्रोसीजर भी ज़रा देख लें, बिल्कुल इस तरह करिएगा जैसा मैंने आपको प्रोसीजर बताया। तो फिल 1/3 टू क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब विद शुगर क्रिस्टल, थोड़ा सा कमी भरेगा ताकि जो है ना वो आधे से भी कम भरेगा बस। फिक्स दिस टेस्ट ट्यूब इन अ टेस्ट ट्यूब होल्डर ऑन अ क्लैंप ऑफ आयरन स्टैंड। तो पूरा प्रोसीजर देखिएगा जैसा मैंने आपको स्टैंड में लगा के दिखाया, पूरा आपको अच्छी तरह देखना है। तो अब ब्लू फ्लेम इज यूज फॉर हीटिंग बिकॉज इट इज़ हॉटर एंड लेनर। तो देखिएगा किस तरह फ्लेम मैंने अटैच किया है, फिर वो पूरा ऑब्जर्वेशन देखिएगा उसकी, पूरी वो देखिएगा, पूरा प्रोसीजर देखिएगा किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट के तौर पे क्या बना, किस तरह कोबाल्ट को राइट पेपर के साथ रिएक्शन किया और हमारा ब्लू कलर क्या हुआ, रेड हो गया। तो एक्सपेरिमेंट देखा, ज़रा देखें, टेक कॉमन शुगर इन टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट जेंटली। शुगर को अगर आप थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में ले आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, तो उससे ज़्यादा अच्छी और जल्दी हो जाएगा, अच्छी तरह कीजिएगा, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं, हल्का हल्का सा पाउडर में कर लीजिएगा। द कलर ऑफ शुगर इज़ ब्राउन, तो पहले हल्का हल्का सा ब्राउन होगा, उसके बाद फिर डार्क सा हो जाएगा, देखिएगा उसको, वीडियो देख लीजिएगा। हीट द अबव टेस्ट ट्यूब स्ट्रांगली ब्लैक कलर अपीयर, वो भी देखिएगा किस तरीके से होगा। टेक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर, देखिए कलर क्या हुआ था, वीडियो में देखिएगा, कोबाल्ट कलर्ड पेपर टर्न इनटू पिंक कलर विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो कोबाल्ट कलर्ड पेपर अच्छी तरह देख लीजिएगा, ब्लू रंग का होता है, वाटर पेपर जब उस पर जाके रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वो हल्का हल्का सा पिंक सा हो जाएगा, वो आप पूरा अच्छी तरह देखिएगा। कोबाल्ट कलर्ड पेपर के बारे में आपको और भी पता होना चाहिए, बायोलॉजी में भी आपने यूज़ किया होगा कोबाल्ट कलर्ड पेपर। तो बस इसी के जरिए क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान वाटर क्या होगा, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हुए शुगर के डिकम्पोजिशन के दौरान, जैसा कि हमने इक्वेशन में देखा है। देखिए इस तरीके से रिजल्ट आप लिख लेंगे, शुगर डिकम्पोजेस इनटू कार्बन एलिमेंट्स एंड वाटर वेपर्स कंपाउंड। तो ये आप टेस्ट ट्यूब है, ये शुगर इसमें होगी, तो आप देखिएगा किस तरीके से जो है बर्नर या स्प्रिट लैम्प यूज़ करेंगे। और ये आप देखें कोबोर्ड क्लोराइड पेपर, इसके ऊपर रख दीजिएगा, टेस्ट कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से सारा का सारा प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट लिख दीजिएगा। शुगर यानी चीनी, क्रिस्टल वाटर, कोबोर्ड क्लोराइड पेपर, स्प्रिट लैम्प, टेस्ट ट्यूब एंड आयरन स्टैंड। बॉटम,
डालेगा पानी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो पिंक होना शुरू हो जाएगा, दिखाई दे रहा है जिससे आपको नजर आ रहा होगा। अभी जो रोने दीजिए, प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। नीचे देखिए आपको क्रिस्टल नजर आएंगे पानी के, इस तरीके से देखिए। ये देखिए पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। पिंक हो गया, देखिए आपको नजर आ रहा होगा टेस्ट ट्यूब के पास। तो पिंक होना चाहिए, कोबाल्ट को डोनेट करता ही है काम है, इसे आपने बायोलॉजी वगैरह में भी यूज करते हैं प्रैक्टिकल्स में। ग्यारह बजकर 11